स्टूडेंट्स कैसे हो। आज जो अपन स्टार्ट करते हैं लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर जो कि आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर जो अब चलेगा। इससे पहले अपने इस यूनिट का जो लास्ट यूनिट था इसमें मैंने करवा दी है कंप्लीट। कौन सा था? वो था फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो मैंने उसके ऑलरेडी 4 वीडियो इस पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। जो आज का टॉपिक था वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो कि लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। तो चलो करते हैं बिना देरी किए, चलो करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने इंडिया या अदर कंट्री के बीच में, इंडिया या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अदर कंट्री के बीच में कोई भी किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो, वो सारे सारे किस में शामिल होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हर एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। स्टेटमेंट मतलब कि भारत सरकार मतलब कि RBI एक स्टेटमेंट बनाती है जिसमें जितने भी यहाँ से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुए, जितने पैसा बाहर गया, आउटफ्लो हुआ, कितना आया वहाँ से बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर, तो उन चीज़ों का एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। जो एक स्टेटमेंट बेस में क्या क्या होता है उसके अंदर कि कितना यहाँ से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब पैसे जहाँ से बाहर गए वहाँ से कितने आए, उन सभी का बैलेंस रखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी देश की जो इकोनॉमी है उसका ये पता चलता है कि इस ये इकोनॉमी है वो कितनी डेवलप है और कितनी वीक है। तो इस चीज़ को भी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बताता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या, उसकी मीनिंग से शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एक देश और दूसरे देश के बीच में जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है उन सभी की एक स्टेटमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ए टाइम, मतलब कि एक समय के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनका एक स्टेटमेंट रखा जाता है। बस इसके अंदर इतना ही है, मतलब कि टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट जितनी हुई उसका मॉनेटरी मतलब पैसे का जो भी लेन देन हुआ उसका सभी का एक स्टेटमेंट बनाया जाती है ट्रांजेक्शन के बेस पे, जो एक निश्चित टाइम के ऊपर होता है, जैसे कि ड्यूरिंग ए फिजिकल टाइम, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो BOP ट्रांजेक्शन होती हैं वो करता कौन कौन है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब कि क्या RBI सभी करती है या कोई अलग से? नहीं, इसमें आप सभी करते हैं। जैसे कि आपने या मैंने, कोई भी एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रांजेक्शन करता है। जैसे कि मैंने किसी गुड से डायरेक्ट मंगवाया तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल पर्सन ट्रांजेक्शन, ठीक है। ऐसे कंपनी वगैरह भी करती हैं, फर्म्स वगैरह भी, गवर्नमेंट भी करती है, जो भी बाहर से लोन वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोन वगैरह लेना, किसी भी से गुड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों से गुड्स लेना, अपनी हायर करना उनको, है ना। तो सारा इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है और गवर्नमेंट भी ये ट्रांजेक्शन कर सकती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, ये तो अपन ने देख लिया कि ट्रांजेक्शन करता कौन कौन है, लेकिन ट्रांजेक्शन होती किस बेस पे है वो अपन देखते हैं। ट्रांजेक्शन जैसे कि एक विजिबल आइटम होते हैं जिसका अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, एक होता है इनविजिबल और थर्ड होता है कैपिटल ट्रांसफर। देखो विजिबल आइटम में आपने इकोनॉमिक्स या बिजनेस के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा है, विजिबल आइटम कौन से होते हैं जिसको अपन देख और छू सकते हैं, वो सारे क्या हैं? विजिबल आइटम। किसी भी चीज़ से मोबाइल वगैरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, अलग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद में इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम कौन से होते हैं? जैसे सर्विसेज, जिसके अंदर अपन जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अपने को कुछ ना कुछ बेनिफिट देती हैं, वो सारे क्या होते हैं? इनविजिबल ट्रांसफर, है ना। और इसके बाद में कैपिटल, जैसे कि कोई भी किसी भी गुड्स खरीद, कैपिटल किसी भी एसेट वगैरह को खरीदना या सेल आउट करना, वो सारे क्या इसमें आ जाते हैं? कैपिटल में आ जाते हैं। जैसे रिजर्व वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। ये इतना होने के बाद, ये तो थोड़ी बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको बताया बेसिक के बारे में। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट टाइप का कंपोनेंट्स क्या था? करंट अकाउंट्स। दूसरा कौन सा था? कैपिटल अकाउंट्स। और थर्ड कौन सा है? जो शाबाश बताओ, थर्ड वाला कौन सा है? वो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। पहला मैं फिर रिपीट करता हूँ, आराम से देखना, जो अपने साइड में स्लाइड चला रखी है उसमें भी आ रखे हैं, आप देख सकते हो। पहला कौन सा है कंपोनेंट्स में? करंट अकाउंट। दूसरा कैपिटल अकाउंट। और थर्ड कौन सा है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो अपन इनको तीनों को आराम से अलग अलग इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का जो टाइप्स है वो डिस्कस करते हैं, वो है अपना करंट अकाउंट। देखो
अपन जब अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस वगैरह या अदर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर अपने को पता चल जाता है कि करंट अकाउंट मतलब कि करंट ट्रांसफर, करंट अकाउंट में मतलब कि तुरंत जो ट्रांसफर हो रहा है डेली बेसिस पे जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, जो अपनी एसेट और लायबिलिटीज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते, वो सारे किस में आते हैं, करंट अकाउंट में, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में अपन ने पढ़ा था कौन से ऑन द स्पॉट होते हैं, तुरंत ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसका कोई भी एसेट और लायबिलिटीज से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो आते हैं अपने सारे करंट अकाउंट में। अब अपन देखते हैं करंट अकाउंट की मीनिंग। करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिट लेटर ट्रांसफर, ये सारे किसके अंदर आते हैं अपने, किसके अंदर, करंट अकाउंट की मीनिंग के अंदर। ठीक है, मीनिंग देखिए बहुत ईजी थी, सिंपल थी, आपको याद भी हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। देखो करंट अकाउंट्स को भी डिवाइड कर रखा है, समझने का तरीका क्या है, इसको भी डिवाइड कर रखा है, कौन से बात में डिवाइड कर दिया, विजिबल और इनविजिबल। इसमें देखो कैपिटल का पोर्शन हटा दिया, जो रिजर्व वगैरह जो भी होते हैं लोन में, इनको हटा दिया। आगे अपन सेकंड वीडियो जो आगे आएगी उसमें देखेंगे, इसमें सिर्फ अपन करंट अकाउंट का पोर्शन पूरा करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। हैं तो फर्स्ट कौन सा था इसके अंदर करंट अकाउंट में, फर्स्ट आता है इसके विजिबल, दूसरा सेकेंड इनविजिबल अकाउंट। तो विजिबल में क्या क्या आता है, विजिबल अकाउंट में आपको पता है सारे जो गुड्स, मैंने मीनिंग बताया था, जिसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को ट्रांजेक्शन को अपन देख सकते हैं, वो सारे किस्म के आते रहते हैं विजिबल अकाउंट। विजिबल कैसे भी, मैंने किसी भी देश से किसी भी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स किया जिसको अपन छू सकते हैं देख सकते हैं, मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल, वहाँ से कुछ भी मशीनरी वगैरह खरीदते हो बेचते हो, वो सारे किसके अंदर आते हैं अपने, किसके अंदर आते हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ डेली बेसिस पे, वो सारे आते हैं विजिबल अकाउंट में। फिर बात करते हैं इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं जिसको अपन छू नहीं सकते, जैसे कि मेन अपन लोगे तो उसके अंदर एग्जांपल जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे किसके अंदर आते हैं इनविजिबल आइटम, जिसको अपन छू नहीं सकते लेकिन अपने को बेनिफिट वगैरह वो देते हैं ना। तो अपन एक बार इनविजिबल अकाउंट जो होता है उसको भी थोड़ा सा डिवाइड कर रखा है इन्होंने समझने का, मतलब समझने के लिए, है ना। तो इसको डिवाइड कैसे कर दिया, पहला कौन सा है इसमें है फैक्टरी इनकम, दूसरा नॉन फैक्टरी इनकम, और थर्ड बना दिया यूनिलेटर ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम आपने पहले डिसाइड, मैंने बता भी रखा है आपको, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, जो भी लैंड और लेबर बिल्डिंग से जो भी अपने को रिसीव होती है वेजेस सैलरी के रूप में, वो सारे किसके अंदर आते हैं अपने, किसमें आते हैं फैक्ट्री इनकम में। ठीक है, लैंड लेबर जो एंटरप्रेन्योरशिप ये थे सभी से इनसे क्या आते हैं, जो भी इनकम रिसीव होती है वो सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, वो अपने होते हैं कौन से में, फैक्ट्री इनकम में। देखो फैक्ट्री इनकम को भी टू पार्ट्स में अगर समझना हो तो आपको मैं बता देता हूँ, फिर भी याद रखने के लिए, फैक्ट्री इनकम में टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कौन से में था, आप बता सकते हो कि फैक्ट्री इनकम के अंदर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और सेकंड का था इन्वेस्टमेंट इनकम। देखो कंपेंसेशन इम्प्लॉय में कौन से आते हैं, जो भी टोटल इनकम जो उनको लेबर को इम्प्लॉयज को रिसीव होती है, जो भी सैलरी वगैरह जो भी मिलती है, वो सारी कंपेंसेशन इम्प्लॉय में आती है। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है वो जैसे कि रेंट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स ये मिलते हैं, ये सारे आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर। ये था अपना फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इन सबको छोड़ दो, फैक्टर इनकम को छोड़ने के बाद में लेबर इंटरेस्ट वगैरह मिलने से बाद का जो बचा वो आ जाता है वो नॉन फैक्टर इनकम में। नॉन फैक्टर इनकम में ना ही लेबर की सैलरी डिविडेंड कुछ नहीं मिलता, इसके अंदर सीधा क्या मिलता है नॉन फैक्टर में, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज मिलती हैं, इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो सारा किसमें, इसमें आता है अपना नॉन फैक्टर इनकम में। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट था वो इसने बना दिया यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, एक तरफा बोलते हैं, जिन्हें अपन एक तरफा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं अपने यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांसफर है ना ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने किसी भी देश को या अपने जो वर्ल्ड जो देश है दूसरे देश वालों ने यहाँ पे गिफ्ट डोनेशन दे दिया है ना, ग्रांट्स वगैरह है ना, तो ये सारे किस में आते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आते हैं, वन वे ट्रांसफर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो इसी के अंदर आती हैं। आपको याद भी होगा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसे बोल देते हैं अपने यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब ये इसके अंदर इतना ही आता है करंट अकाउंट के अंदर कि अपने ये दोनों तरीके से ट्रांसफर करते हैं, विजिबल इनविजिबल। और इनविजिबल में अपन ने पॉइंट्स बना दिए अलग अलग, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये तीनों इसके पॉइंट हैं। इसमें और देखने वाली बात क्या है करंट अकाउंट के अंदर, देखो करंट अकाउंट में भी दो पोर्शन होते हैं अकाउंट्स, आप में पढ़ते भी हो नहीं पढ़ते फिर भी बता देता हूँ, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। देखो इस ट्रांजेक्शन के अंदर
करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन मतलब कि जो भी मॉनेटरी पैसे गए आए वो रिसिप्ट और पेमेंट वाला है ना, जो भी रिसिप्ट होती है जो पेमेंट होती है। देखो बैलेंस और पेमेंट अकाउंट में दो ही अकाउंट बनते हैं इसके अंदर, एक तो रिसिप्ट और एक पेमेंट। रिसिप्ट मतलब कि जो भी अपने देश के अंदर इनफ्लो हुआ, इनफ्लो मतलब पैसे का आना, अपने पैसे का रुपए का बाहर देश से प्राप्त होना, वो सारे किस में लिखते हैं अपने रिसिप्ट में। और पेमेंट में अपन क्या लिखोगे, उसका मतलब होता है पेमेंट करना, दूसरे देश को पेमेंट करना, यहाँ से आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो मतलब कि पैसे गए कैसे किसी भी तरीके से सर्विसेज के रूप में जाए, उसको बोल देते हैं अपन पेमेंट के अकाउंट में, अपन उस साइड में लिखेंगे। एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में जो भी आते हैं वो ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, उनको पेमेंट के रूप में लिखते हैं। यहाँ से आउटफ्लो हुआ उनको आप डेबिट में लिखोगे पैसे के, और क्रेडिट में जहाँ से भी इनमें, जैसे कि डोनेशन रिसिप्ट हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ चलो डोनेशन रिसिप्ट हुआ किसी भी देश से, यूनिटेड ट्रांसफर रिसिप्ट हुआ करंट अकाउंट में, अपन किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि अपने को रिसिप्ट हो रहे हैं। ठीक है, रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में, पेमेंट में याद रखना अपने पास पैसे आए इनफ्लो, यहाँ से डोनेशन मैंने दिया वो उसको नेगेटिव मानते। देखो अपने पास आया पॉजिटिव क्योंकि अपने पास इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो नेगेटिव साइन मानते क्योंकि अपने देश से पैसे गए उसे आउटफ्लो मानते। याद रखना ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है जिसको अपन रिकॉर्ड रखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये एक स्टेटमेंट थी मैंने पहले बताया था जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी होते हैं। आने वाले को तो अपने पास इनफ्लो हो रहा है तो इसको पॉजिटिव साइन में दिखाएंगे, और यहाँ से आउटफ्लो पैसे गए चाहे फैक्ट्री में जाए, किसी को वेजेस वगैरह दो तो पैसे देश से दूसरे देश में गए, तो आप सिंपल वे में याद रख सकते हो आराम से, उसको अपन लिखेंगे नेगेटिव साइन शो करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन रिजर्व और कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अच्छे से और डिस्कस करेंगे। और साइड में जो स्लाइड चल रही है उसको ध्यान से देखना, और स्क्रीनशॉट के बाद में आप उसको नोटबुक में लिखेंगे अच्छे से। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वारी है, मैं हर बार डिस्कस करता हूँ क्वारी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर इस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए, हम दोबारा उस चीज़ को बताएंगे आपको। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो रहेगा अपना कैपिटल अकाउंट का। ओके, थैंक यू।